हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। इतने ज्यादा टाइम के बाद, पूरा एक महीना तो हो ही गया जब मैंने कोई भी वीडियो शूट करी थी। अब तो ऐसा हो रहा है जब मैं कोई व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ, हमेशा स्टार्टिंग में यही बोल रहा हूँ कि बहुत टाइम हो गया था कि कोई वीडियो शुरू करी थी। बट फाइनली अब मैं एक वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ। कल है संडे, कल हम जा रहे हैं संडे राइड पर, उसका पूरा व्लॉग रहने वाला है। वेल, मैंने आज रात से शुरू कर दिया अपना व्लॉग। तो वह सीन कुछ ऐसा हो रहा था, मतलब देखो रमजान हो गए, मैंने सोचा कि पूरा रमजान चलो थोड़ा रेस्ट कर ले। रेस्ट क्या, बहुत टाइम से रेस्ट ही चल रहा है यूट्यूब पे तो। बट मैंने सोचा कि चलो रमजान निकल जाता है, ईद आएगी, ईद के बाद हम कंटिन्यू करेंगे। बट अब फिर मेरे कॉलेज है ना, वो सब स्टार्ट हो रहा है, रील्स में बहुत ज्यादा फोकस दे रहा हूँ आजकल। जिन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करा, पहले इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो। बहुत ज्यादा वहाँ प्यार आ रहा, बहुत ज्यादा मजा आ रहा पूरा, ठीक है। एंड थोड़ा बॉडी पे भी मैं थोड़ा काम एन ऑल कर रहा हूँ थोड़ा, ठीक है। फिटनेस फ्रीक यू नो, मैं तो भूल भी गया व्लॉगिंग मैं किस तरह से करता था, क्योंकि मैं सारा रील्स ही बना रहा हूँ आजकल, सिर्फ रील्स रील्स रील्स। व्लॉग का बहुत ही कम कर दिया बनाने, बट देखता चलो कोशिश करते हैं बनाने की जल्दी जल्दी। तो पहले अपना कुछ बैग ऐसा रेडी हो रहा है अंदर, मैंने इसमें जैकेट रख ली है अपनी राइडिंग वाली, कॉपर मुझे अपना चार्ज करना है। इसमें से मैं देख रहा था कौन सी माउंटिंग्स मुझे लेनी है, क्योंकि मैंने माउंट्स कई सारे इसमें अंदर रख रखे हैं, ठीक है गाइस। तो इसको अपने को चार्ज करना, और ये तो यहीं रहेगा कवर, ये अपना मार्बल का पड़ा है। तो ये अपना बैग है। वेल, मैं सोच रहा हूँ बैग भी चेंज कर लेता हूँ, क्योंकि ये नॉर्मल इस कॉलेज वाला बैग है। मैं सोच रहा हूँ बाइक वाला राइडिंग का। एंड तुम ब्लैंकेट देख रहे हो भाई, एसी चलता है मेरा 23 पे, और ब्लैंकेट में देखो मुझे नींद बहुत अच्छी आ रही है ब्लैंकेट में। एसी ब्लैंकेट मस्त कॉम्बिनेशन। एंड जो मैंने अभी एक दो घंटे से मेहनत करी है ना, वो कल सुबह दिखा दूंगा। बाइक को जो मैंने साफ करी है ना, जिस तरह से मतलब अलग ही चमका रखी है बिल्कुल, तो सुबह को दिख जाएगी वो। तो वेल ठीक है गाइस, वैसे मजा आने वाला है कल, लेट्स सी। बहुत टाइम के बाद मैं संडे राइड कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, और सब दिखाने वाला हूँ क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है। अब मिलते सीधा सुबह मिलता हूँ, ठीक है। सीधा बाइक निकालूंगा सुबह में और अपने गोप्रो मिलता हूँ। तो गाइस अभी सुबह के 5:15 हो रहे हैं, मतलब अभी तक भी दिन नहीं निकला। देखो सी अभी भी अंधेरा ही हो रहा है, ठीक है। तो बस अब मैं चल रहा हूँ नीचे, बाइक निकालते हैं, सामान उठाता हूँ अपना सारा, और संडे राइड को अपनी हम शुरू करते हैं आज। तो गाइस ये खड़ी अपनी बाइक, पीछे स्कूटी लगी हुई है इसके, इसको निकालनी है अभी, फिर इसको निकालता हूँ। पूरी साफ खड़ी है, मेहनत अभी दिखाता हूँ जो रात करी थी। तो इसको निकालनी है पहले, इसको निकाल लेता हूँ। और कुछ ऐसा हो रहा आज मौसम भाई, मतलब ठीक ठीक हो रहा है, गर्मी थोड़ी देर में हो जाएगी, पहले इसको निकाल लेता हूँ बाहर। तो गाइस रात की हुई मेहनत देख लो, बिल्कुल चमका रखी है एक एक चीज़, ठीक है, बिल्कुल प्रॉपर एकदम क्लीन, बाइक मस्त शाइन कर रही है। लेकिन 6:50 हो रहे हैं, 7 बजे की टाइमिंग दी थी, तो ठीक है 10-15 मिनट तो जाने में लगेंगे इस टाइम। और अपनी बाइक एकदम आज चमक रही है गाइस, मज़ा आ जाएगा कसम से संडे राइड पर, एक एक चीज़ क्लीन बिल्कुल। तो गाइस फाइनली मैं निकल चुका हूँ भाई, लास्ट संडे जब राइड करी थी ना, उस दिन मौसम बहुत ही प्यारा हो रहा था। आज तो मुझे लग रहा है थोड़ी देर में गर्मी हो जाएगी, बट कोई बात नहीं, अभी अपने को राइडिंग जैकेट पहनी है जो अपने बैग में पड़ी है गाइस। फिर चल रहे हैं जैन शिकंजी अक्षरधाम वाली, वहीं पर अपना मीटिंग पॉइंट आजकल रह रहा है, क्योंकि उसी साइड से निकलना है हमको। तो एरिन भाई एनऑल सब आ जाएंगे वहीं, और इसका सुबह वाला पिकअप तो बाइक का एक नंबर होता है भाई। ये रोक के पहन लेते हैं राइडिंग जैकेट अपनी। एंड गाइस मैंने अपना ये वाला हेलमेट पहन लिया है, स्पीडा वाला। मैंने अभी सुबह सुबह जस्ट माइक चेंज करा है, मैं सोच रहा हूँ इसके लिए एक अलग माइक ले लिया जाए, क्योंकि बार बार मुझे चेंज करना पड़ता है। ओई, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है अपनी बाइक के ब्रेक्स भी थोड़े कम हो रहे हैं आगे के, पता नहीं क्या हो रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड हो रहा है, ये टाइट हो रहा है काफ़ी, आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम है। अमेजिंग, कितना मजा आता है यार सही में इस टाइम खाली खाली रोड्स में, वरना यहाँ तो इतना फुल रहता है, एकदम भीड़ चकाचक रहती है पूरी। और अपने पीछे पीछे एक R15 version 4 वाला बंदा चल रहा है बहुत देर से, यही तो था गाइस, यही था वो पूरा झुक झुक के चला रहा है देखो।
पुलिस वाले अंकल देख रहे थे, आहा मेरी जान, क्या बात क्या बात क्या बात, बहुत बढ़िया, सही चुक रहा। चलो गाइस इसको जाने देते हैं, हम आराम आराम से चलते हैं क्योंकि ये तो बहुत गंदी कटिंग मारता हुआ लेके जा रहा हो। बाइक्स खड़ी हुई मुझे दिख रही हैं, अपने ग्रुप की बाइक्स मुझे दिख रही हैं, उसके साथ साथ मुझे एक कावासाकी की भी दिख रही है। ओह शिट मैन, शिट 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 शिट, एस 1000 आर आर 10 आर भाई। कायरिन भाई नहीं आए क्या? वालेकुम सलाम भाई, क्या हाल भाई? अपने ग्रुप के हैं क्या भाई? है ले लेंगे इन्हें अपने ग्रुप में। क्या हो गया, वो नहीं आया दूसरा लड़का? ओ माय गॉड, व्हाट इज दिस, हमारे साथ राइड कर रहे हैं भाई बड़े लोग। ले चलेंगे इन्हें भी आज। सेम हेलमेट, ये होती है अब सेम बाइक कब हो रही है। हेलमेट तो सेम हो गया तुम्हारा, ऐसे लगाओ यार, उधर लगाना, मेरी दिखनी चाहिए इधर से। See guys, beauties. Oh, मेरी जान। यार डोमिनार वाले ने आवाज खराब कर दी। गजब। ये खड़ी अपनी बाइक सारी, ये खड़ी है मेरी वाली, ये खड़ी एक और R15, ये एक और, ये एक और, ये आर एस आई है 200 भी। क्या कर रहे हैं जान भाई? बस साफ कर रहे हैं। कितने रुपए ले रहे हो? फ्री में, मेरी भी कर रहा जाओ। और ये नया भाई ज्वाइन हुआ अभी, भाई नाम क्या है तुम्हारा? मयंक नाम, मयंक भाई की है वाली V3। BS4 है BS6 है? BS4 भाई, टक्कर देने वाला नहीं, BS6 है शायद ये। हाँ BS4 है, ये टक्कर देने वाली आ गई कि मेरी BS4 है, वो BS6 है और वो BS6 है। तो गाइस आज की राइड हमारी हो रही है ट्रिप मशीन कैफे की, वो भी दिखा दूंगा रास्ता कैसा है। भाई एक मिनट इधर आओ सारे, एंड पे इधर आओ भाई, आराम से चलाएंगे सारे, ठीक है? तुम्हें पता है अभी क्या इंसिडेंट हुआ है, तो इस वजह से आराम से चलाएंगे और मस्त आराम से करेंगे, मज़े करते हुए चलेंगे, यूँ ही ज़्यादा स्पीड में चलाना कुछ, ठीक है भाई? आराम आराम से चलेंगे। हाँ ठीक है भाई, चलो गाइस अब निकल रहे हैं यहाँ से। और भाई मैंने आप सबको बोल दिया कि आराम आराम से चलना है, देखो क्योंकि ऐसे इंसिडेंट हुआ अभी कुछ दिन पहले, तो बस ठीक है, लेट्स स्टार्ट आवर राइड मैन। तो एरिट भाई की शिकायत हो रही है, भाई हमारी जो राइड आज हो रही है ना, वो हो रही है थोड़ा लेपर ट्रेल की तरफ को, वहाँ एक कैफ़े है अच्छा, तो उसके देखो यहाँ थोड़ा ये रोड बहुत ज़्यादा ख़राब है वाला पैच जो है, आई एग्री। बट ये भाई कह रहे दोबारा पंचगांव चल रहे यार, पंचगांव यार पक गए हम सही में जा के, तो इसलिए आज मैंने सोचा कि वहाँ अच्छा रोड है यार, थोड़ा अच्छा लगेगा। हाँ भाई, ओ मेरी जान, बेटे की, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, हाँ पैशन के मज़े। बस भाई आराम से कर ले यार, चलो बाय 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 बाय। पैशन की पावर है भाई, बाय करके गया है, ऐसी बात नहीं है। क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया, कैसे पंप हो रहे हैं यहाँ सारे। एहसान भाई तुम भी चलो आगे यार, तुम कहते आज पीछे पीछे चल रहे हो। अंकल का रिएक्शन बढ़िया था भाई, अब इनका रिएक्शन मिलते सारे पंप हो गए, देख रहे हो कैसे भागे सारे एकदम। आओ आओ आओ, अब मेरे पास है कंट्रोल सारा मैप का, मुझे पता है रास्ता कहाँ है, अब तुम्हारा भाई आगे रहने वाला है।
हाथ झुक गया, ये झुकने की पावर। ओ भाई ये तो अपना आप ही बंद हो गया भाई। अंदर गए क्या अभी? तो गाइस ये देखो टाइट हो चुका है पूरा है। बहुत अच्छा हुआ है कि यहाँ शॉप मिल गई थी, इसलिए टाइट हो गया वाला पूरा। अभी एहसान भाई काम करा रहे हैं अपनी बाइक में थोड़ा, इनकी भी नंबर प्लेट गिरने को थी। अच्छा हुआ मिल गई एक वर्कशॉप, और भाई मैंने टाइट भी करा लिया अपना, अब बिल्कुल फ्री माइंड होकर चल सकता हूँ मैं। तो गाइस यहाँ से शायद वो वाला रोड स्टार्ट होने वाला है अपना, और गाइस पीछे आ रहे हैं, धीरे धीरे आ रहे थे काफ़ी। मुझे लगा पता नहीं कहीं गलत ना चले गए, इसलिए मैं रुक गया। आहा मेरी जान, तीनों एक साथ चल रहे हैं बिल्कुल। इसे लेफ्ट दिखा रहा है, ऑल राइट यहाँ से लेफ्ट ले लेते हैं। ये देख रहे हो बाइकर्स, क्या बात। ये देखो इधर, ओ भाई अभी तो और तगड़े तगड़े व्यूज आएंगे यहाँ पे। यहाँ से अपने को लेना है राइट। यार कितना प्यारा व्यू है,